ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਨਿਊ ਡੇ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਹਮ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲੇਕਰ ਆਏ ਥੇ ਅੱਧੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਮ ਬੋਟਲ ਲੇਕਰ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਭਈਆ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਉੱਠਤੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 25 ml ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮੀ 25 ml ਉਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਬੋਟਲ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਗਾਮੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ है एक गामे के तेल वाली शीशी है अगर गामे का तेल उसको पता होगा जिसने पंजाबी पाकिस्तानी ड्रामे देखे तो गामे के तेल वाली शीशी है इन जस लो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी नहीं जसना नहीं है इनू इनू पीना है 25 ml पीना है तो आप एक काम करें ढक्कन दे 25 ml का हम आपको उसका टेस्ट बताएंगे क्योंकि गल सर टेस्ट बड़ा खराब है जो तुम टेस्ट झेल लेते ना सब वधिया जाएगा नहीं नहीं नॉर्मल पानी नहीं पहले इसको 25 ml डाल दे अभी वो मत दे अभी पानी मत डालो पहले हम इसको 25 ml डाल के तरंग रूप देखेंगे फिर हम पियेंगे एक ढक्कन दो ढक्कन फिर तीजा ढक्कन लो जी साढ़े हिसाब नाल 25 ml हो गया अगर कोई साडा शराबी भरा वीडियो देख रहा है तो दस दे कि है 25 ml है या नहीं है तो असी अगली बार ख्याल रखांगे लो जी अब मौत के कुएं में गिरने की बारी आ गई है मैंने आंखें बंद कर लिया क्योंकि इसका टेस्ट पता नहीं है भाई गुरु मेर कर जैसे साफी होती है ना अगर किसी ने कभी साफी पी है तो उसके रिलेटेड जैसा टेस्ट है इतना भी माड़ा नहीं है पी सकता हो अगर आप गुट्टी मार जाओगे ना एक आप पी जाओगे गुड फॉर हेल्थ कह रहे हैं भैया मैं अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ बढ़िया अगर मेरे को लगे ये पूरी बोतल पर क्योंकि ना इससे दाने दुने नहीं होंगे स्किन साफ हो जाएगी ग्लो आएगा तो आप जरूर ले सकते हो भाई सुबह सुबह उन्होंने दिमाग खराब कर दिया यार मैं पहले घर से भागू फिर आपको बताता हूँ क्या हो रहा है ये भाई तो हम सब के यहाँ डर गए गैस की पाइप लाइने मतलब सिलेंडर शायद खत्म हो जाएंगे और डायरेक्ट गैस आएगी और दूसरा कि मैं अभी जा रहा हूँ कैमरा ठीक कराने इसकी आवाज जमा ही बेकार हो चुकी है तो मैं उसको दिखाऊंगा भाई ये किया क्या है आपने भाई गर्म हवा ऐसे चल रही है लू देने इतनी तगड़ी वो वाला सिस्टम हो रखा है भाई 2 मिनट के लिए ना इतनी गर्मी में आना पड़ता है वो ज़्यादा दुख होता है सारा काम घूम छोड़ के अभी कह रहे हैं पहले कहते कल शाम तक देंगे मैंने कहा कल शाम तक नहीं चाहिए मेरे को आज ही चाहिए तुम्हारे ऐसे डिले डिले में मैं सोनी को ना दे देता तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार आप करो कहते कोई नहीं आज शाम तक करते हैं फिर पता चलेगा क्या सीन बैठता है भाई देखो नराते चल रहे हैं तो हम चिकन शिकन तो खा नहीं सकते बट अब उसका ऑल्टरनेट एक बढ़िया चीज़ है वो मेरा आज खाने का जी कर रहा है मेरे सामने मम्मी खड़ी है गालियाँ मम्मी ने निकाल ली है क्या क्या मंगा रहा हूँ मम्मी मैं बताओ बढ़िया चीज़ है बहुत बढ़िया आपने कहना है केड़ा गंद बुलाया है ना महंगा यही बोलना है आपने पर आपके लिए वो है ना गंद है अच्छी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो आप कहते हो गंद बुलाया वो सोचो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ ना हाँ बेगल बेगल मंगा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा बड़ा जी कर रहा है चिकन ये खाने नहीं देंगे यार देखो मैं कहा था तो चिकन ये खाने नहीं दे रहे आजकल तो आप बना दो नहीं तो आज नहीं बनेगा ना अब मैं मंगा लेता हूँ भूख लग रही है बहुत बाकी मैं बेगल तो ऑर्डर कर रहा हूँ पर मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ हमारे घर में क्या इंस्टॉल हुआ है जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था ना कि वो आए हैं गैस वाले गैस पाइपें लग रही हैं अब जैसे दिल्ली में रूल आ गया रूल नहीं है कुछ हो रहा होगा दिल्ली मतलब डेवलप कर रही है तो ये देखो ये पूरी गैस की बाहर से पाइपलाइन आ रही है ये इधर आई और ये हमारी किचन है तो यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया यहाँ से पता नहीं कनेक्ट मम्मी ये चालू होगी गैस ये कब तक हो जाएगी अभी ये पता नहीं कब चालू होगी पर वो इंस्टॉल करके चले गए अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये सेफ है या नहीं है क्योंकि फिर वो कनेडा की बात आती जो वो आता है वहाँ तो पूरा एक ही बेसमेंट में होता था और यहाँ पे ये शरेआम ये लगाया हुआ है तो आई एम बिट कन्फ्यूज क्योंकि हम अपना सिलेंडर बाहर छज्जे पर रखते थे घर से बाहर और अब सीधी पाइपलाइन इसमें से आ रही है
तो एक बार आप बताना जरूर, आई एम नॉट दैट गुड इन टेक्नीशियन भाई। देखो अपने बेगल आ गए हैं, बेगल के साथ ना मेरे को एक चीज़ हमेशा फ्री मिलती है, वो है गालियाँ। गालियाँ हमने खा ली हैं, बेगल अब खा लेते हैं। आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप देख चुके हो पहले व्लॉगों में, तो मैं दोबारा नहीं दिखाना चाहता बेगल कैसा होता है। इफ़ यू वांट ट्राई यू कैन ट्राई, चीज़ बेगल है ये, स्वाद होते हैं। तो फिर हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने लेके जा रहे हैं भाई। तो बेगल बुगल हमने खा लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं आपको एक बहुत प्यारी और नई चीज़ दिखाने। हम इतने टाइम से कहते ले लेते हैं ले लेते हैं, तो हमने ले लिया। यार गलत हो गया अभी ना, अब आई हमारी नई गाड़ी। नहीं, ये ना मेरे को लगा कि अपनी गाड़ी है, तो हमने सोचा बना लगे कि हमें भी नहीं पता ना अभी, तो हम भी बैठे थे कि यही शायद यही हमारी है। तो बाबा ला रहे हैं अभी, तो शायद अब जो आएगी अब शायद हमारी गाड़ी होगी। ये गलत सीन हो गया, फाइनली हमारी गाड़ी आ गई। भाई सो फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है। देखो नई गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो गाड़ी है ना। अभी आप पुरानी ईटियोस को याद करोगे वो कैसी होती थी, और एक बार हमारी नई ईटियोस जो हमने बिल्कुल सही करा लिया जब हम लद्दाख गए थे, तो थैंस नैस हो गई थी। अब मैं आपको एक बार इसका पूरा राउंड टूर दिखाता हूँ कि अब कैसी होगी है, और पहले वाली फ़ोटो नहीं है मेरे पास, पर आपको याद होगी अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो। देखो बिल्कुल साफ नई नई लग रही है इधर से। टायर टूर देखो आप, इधर से चेक करें आप, लग ही नहीं रहा पुरानी है। क्या क्या किराया पापा पापा बताएंगे, इधर आओ। अभी ये देखो बिल्कुल आग गए थे, बिल्कुल साफ हो गई है। इधर से देखें आप, इधर से भी बिल्कुल सही। इसमें हमने ना कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल अंदर से भी सही हो गई है बिल्कुल। क्या क्या किराया पापा अंदर भी कराना है, अंदर से थोड़ा सी डेंट पेंट कराया, टोटल डेंट पेंट करा दिया, सीएनजी लगवा दिया, सीएनजी लगवाई है, जो हम मेन आपको बात बताने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया था, तो सीएनजी हमने लगवा लिया। और इसकी कल सीटें वगैरह कवर वगैरह डलवाने से सब कुछ नया हो जाएगा, बिल्कुल नई तरीके नई तरीके की गाड़ी थी, नई दुल्हन हो जाएगी अंदर से भी, जब बूटी गोड़ी लाल लगाम। हाँ तो जब अंदर से भी पूरी सही हो जाएगी ना, तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बट ये बाहर से बिल्कुल फ्रेश हो गई है, बम्पर बुम्पर सब ठीक हो गया, ऐसा लगता ही नहीं कि पुरानी गाड़ी है। भाई देखो अब सीएनजी लगवा, ओए अंदर बैठते क्या फील आई है, सीएनजी लग गई है। सीएनजी भी एक बार आपको इसका थोड़ा सा टेस्टिंग करके बताते हैं। एसी उसी भी सब बेस्ट हो गया, चालू नहीं, क्या हुआ इतना लंबा सर क्यों मारता भाई? अरे वो स्विफ्ट की आदत है ना, क्लच दबा के हल्के सर में स्टार्ट होती है क्लच भी, बस माय बैड। आओ आपको गेड़ा कराते हैं एक बार सीएनजी का। ऑन सीएनजी है ये, अभी येलो लाइट बंद हो जाएगी तो स्टार्ट नहीं करेगी, एक्सीलरेटर दबा के रखो। आवाज चेक करें हम, आ जाओ सीएनजी पे गेड़ा करवा के आते हैं। भाई साहब ये तो स्विफ्ट से भी बढ़िया हो गई है, बिल्कुल A1 हो गई है, क्या बात है। उल्टा सीएनजी का पता है फायदा हो गया, देखो अब किसी ने हमारी सहेली बनना ना, सहेली बन जाओ प्लीज, हमने सीएनजी भी लगा लिया, अब तो हम आपको दिन रात को गेड़िया करा सकते हैं, सीएनजी फुल टैंक की हो जाती है, पूरी दिल्ली की सैर करा रहे हैं। अब ये फायदा है सीएनजी का, हमारी स्विफ्ट में लग नहीं सकती अभी सीएनजी, क्योंकि वो BS6 मॉडल है, तो उसमें भी ना लॉ पास नहीं हुआ सीएनजी वाला, नहीं तो हम उसमें भी करा लेते, बट कोई नहीं। अब ना पहले हम पापा की गाड़ी चलाते नहीं थे, पापा की गाड़ी लेके जाएंगे किसी सहेली सहेली को घुमाना, बट सहेली कहाँ से लाएंगे, गाड़ी तो आ गई है, सहेली ढूंढनी पड़ेगी। सीएनजी पे थोड़ी सी वो नहीं है, पिकअप कम नहीं रहता, पहले थोड़ी दबती है ना, शुरुआत में दबती है, गियर बदल के पिकअप थोड़ी सी कम है मेरे साथ, शुरुआत में थोड़ा दबा भी नहीं लगी ना सीएनजी, हाँ शुरुआत में थोड़ी दबा है, उसकी वो ठीक हो जाएगी। अंदर चलाने में तो मजा आ रहा है। अब देखो मैंने लोगों को बोला है, देखो गाड़ी में तो सीएनजी लगवा ली है, किसी ने सेली सुली बनना है बन जाए, पूरी दिल्ली घुमा सकते हो भाई। देखो गाड़ी का काम तो अभी तो दे, चाबी में दे रहा हूँ, गाड़ी का काम तो हो गया, माइक वाले में दिक्कत आ गई है, कहता सर को इसमें दिक्कत ही नहीं है, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ, कहता दिक्कत आ रही है पर अंदर से मैं पता नहीं चल रहा क्या दिक्कत आ रही है। मैंने कहा इसमें क्या नहीं पता चल रहा, आपके पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, आपने जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक कर दी, एक प्रॉब्लम और साथ में दे दी। कहते सर कोई नहीं हम देखते हैं, सारे माइकों में दिक्कत आ रही है, तो कहता है जो माइक का जैक होता है वो शायद थोड़ा ढीला हो गया, तो मैंने उसको सोल्डिंग कर दिया है, टाइट कर दिया है, पर अब पता नहीं क्या सिस्टम है। इससे मेरे को था कि इससे बढ़िया मैं सोनी वालों का ना दे देता ठीक होने के लिए, उन्होंने एक दिक्कत और दे दी, फिर क्या करेंगे, कहते कल तक बताते हैं, करेंगे और क्या, नहीं तो भाई 6,000 रुपये 5,000 रुपये लग गए हमारे, बाकी चलते हैं गाड़ी चला के मज़ा आ गया।
घर चलते हैं। बाकी एदे नाल ही आपां करदे हां इस व्लॉग नूं एंड। मैं उम्मीद करदा तुहानूं पसंद आया, जो पसंद आया तो डूट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कि लगे लाइट है बागी हमारे चेहरे पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।